हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जोशी फैमिली। मैं हूं गौतम जोशी, मैं हूं रुचि जोशी और आयाना जोशी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, कि आजकल की जो लाइफ है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। हर कोई काम में बिजी है दोस्तों, काम 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 काम। तो काम के बाद दोस्तों, जो थोड़ा बहुत समय मिलता है हम लोगों को, हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा एंजॉय कर लें, थोड़ा सा मूवी वूवी देख लें, थोड़ा सा मॉल में चले जाएं, जिससे कि लाइफ थोड़ी सी बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए दोस्तों। पर दोस्तों, जब तक हम लोग बैचलर होते हैं, तब तक तो दोस्तों हम लोग कहीं भी निकल जाते हैं, घूमने निकल जाते हैं, भैया दोस्तों के साथ निकल गए, पार्टी वार्टी में चले गए, मॉल में चले गए। उसके बाद जब हमारी शादी होती है, तब भी हम लोग दो लोग होते हैं, तब भी हम लोग चले जाते हैं, घूमने चले गए, मॉल में चले गए, कहीं भी चले गए। पर दोस्तों, ट्विस्ट तब आता है जब आपका छोटा बेबी हो जाता है, छोटा बच्चा हो जाता है। जैसे आनू भी एक टाइम पे छोटू बेबी था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, जब छोटा बच्चा आपका होता है, तो उसके बाद क्या होता है, लाइफ तो दोस्तों आपकी वैसे ही हैक्टिक चल रही होती है। अब बच्चा होता है आपका, तो आप लोग सोचते हो, अरे भैया अब तो ना हम कहीं घूम सकते हैं, ना हम कहीं जा सकते हैं, ना हम पिक्चर देख सकते हैं, ना हम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लाइफ हमारी बंधी हुई रह जाती है। अभी जैसे मान लो आप लोग वर्किंग हो, तो आप लोग चलो ऑफिस चले गए। जैसे मैं वर्किंग हूँ, मैं अपना ऑफिस चला गया, आपके लेडीज़ भी जो वर्किंग है वो भी ऑफिस चले गई। पर जो हाउसवाइफ्स हैं आप लोग, उनका सोचिए, दिन भर वो काम करती हैं, उसके बाद भी आप लोग कहीं घूम ना पाओ, तो लाइफ जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक मतलब दायरे के अंदर रह जाती है। तो दोस्तों, हम लोग आज का जो वीडियो है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा दोस्तों। हम लोग दोस्तों आज आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाले हैं, जिनको अगर आप लोग फॉलो करें, जो हम लोगों ने फॉलो करी और मैडम ने भी अच्छे से फॉलो करी, और मैडम की वजह से ही मैंने भी फॉलो करी, और हम लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुई वो टिप। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप लोगों का प्लान है बाय द वे मूवी जाने का, अब आपका छोटा बच्चा है दोस्तों, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, तो ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं कि यार अब हम मूवी नहीं जा सकते। मैं भी ऐसी सोचता था कि यार अब कैसे जाएंगे, छोटी आयाना बहुत छोटी है, कैसे जाएंगे। उसके बाद मैडम को मैं के डिसीजंस को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, कि इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम लोग चलते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग हर किसी की तरह नहीं रहेंगे। तो मैडम ने बोला कि यार एक काम करते हैं, हम लोग जैसे मूवी थिएटर जाते हैं, तो बच्चा छोटा है हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो आयाना है, हम लोग गाड़ी में जाएंगे, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि आयाना को सोने नहीं देंगे, इन द सेंस कि हम लोग इसके कुछ टॉयज कैरी करते थे, कुछ खाने का कैरी करते थे, कुछ बाहर की सीनरीज दिखाते थे, जिससे क्या होता था कि इसका जो मन है वो लगा रहता था और इसको नींद नहीं आती थी गाड़ी में, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता कि गाड़ी में बच्चों को नींद आ जाती है बहुत जल्दी। तो उसके बाद क्या होता था कि हम लोग पिक्चर हॉल पहुंचते थे, वहां पे जैसे अंधेरा होता था दोस्तों, तो अंधेरे को देख के इसको दोबारा से नींद आ जाती थी, कि बच्चों की टेंडेंसी होती है दोस्तों, लाइट ऑफ हो गई तो नींद आ जाती है, तो इसको भी नींद आ जाती थी। तो अब हम भी मूवी इंजॉय कर लेते थे, ये भी अपना आराम से रिलैक्स कर लेती थी, तो भाई दोनों का काम हो जाता था। तो उसके बाद दोस्तों, मैंने मैडम से कहा, यार मैडम आपका ये जो डिसीजन, मतलब ये जो आपका जो टिप्स है, जो पहले मैडम ने मुझे ये टिप्स दिए थे कि ऐसे हम लोग फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, ये टिप तो आपका बहुत काम कर गया। दूसरी चीज़ हमने क्या करी दोस्तों, जैसे कि गर्मी का मौसम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार बच्चे ने मतलब कि टी शर्ट्स वगैरह पहनी है, लेकिन पिक्चर हॉल में दोस्तों ठंडा होता है, तो एक आप लोग ब्लैंकेट कैरी कर सकते हैं साथ में, जिससे कि अगर ठंडा होगा तो आप बच्चे को उड़ा सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे आयाना को भी आदत पड़ती गई हॉल में उस एटमोसफेयर की। बीच बीच में ये जगती थी, हम इसको कुछ खाने के लिए दे देते थे, और ये जगते जगते धीरे धीरे इसको आदत पड़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यूज्ड टू हो गई दोस्तों, और हमने देखा कि कुछ समय बाद ये भी हमारे साथ मूवी एंजॉय करने लगी छोटी एज में ही। बाकी हम लोग पिक्चर देख के निकलते थे, तो बाकी लोग अचरज करते थे दोस्तों, कहते थे अरे आप इतने छोटे बच्चे के साथ मूवी देखने आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और आपकी जो सीट है दोस्तों, वहां से तो हमें रोने की, बच्चे के रोने की या किसी चीज की आवाज ही नहीं आई, ये रोती नहीं है क्या। हमने कहा यार अब देखिए ऐसे ही है, जो भी है थोड़ा थोड़ा आप लोग भी ऐसे फॉलो कीजिए, तो आप लोगों को भी बेनिफिट्स हो सकते हैं इस चीज के। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एग्जांपल मूवी का,
और दूसरा एग्जाम्पल मैडम आपको बताएंगी जो आप ट्रेवलिंग में आप फॉलो कर सकते हैं उसको। फ्रेंड्स मैं कभी तब मैं छोटी थी तो मैं मॉल में जाती थी ना, तो मुझे तो मैं मॉल में करके सुसु कर देती थी। फिर फ्रेंड अपना डायपर ले जाना मत भूलिए। तो दोस्तों हमारी छोटू मैडम ने भी आपको एक अच्छी टिप्स दे दी कि आप लोग बच्चों के डायपर्स हमेशा कैरी कीजिए। अभी नहीं करती ना अनु, अभी तो बिग गर्ल हो गई ना। हाँ अभी अनु अच्छा बेबी हो गया हमारा। तो दोस्तों अनु ने भी अभी आपको एक टिप दे दी, अभी मैडम आपको एक टिप देंगी ट्रैवलिंग के बारे में। जो जैसा कि हम लोग यार एक बार जा रहे थे ना शिलोंग, हम लोग जा रहे थे, ये बहुत छोटी थी तो हमें लगता था कि यार बच्चे वोमिटिंग करेंगे पहाड़ी रास्तों में, तो उसके लिए हम लोगों ने एक देसी इलाज निकाला था। बिल्कुल दोस्तों, हमने क्या किया कि गाड़ी के नीचे जहाँ सीट में हम बैठते हैं वहाँ हमने न्यूज़पेपर बिछा दिए दोस्तों। वो अनु की दादी और ने नानी दादी ने शायद उनके जमाने का एक नुस्खा है दोस्तों, जो हम लोगों ने फॉलो किया और बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। इसको लगा के जाने से पूरा हिल्स हमारा कवर हो जाता है, हम घूम लेते हैं। पता नहीं दोस्तों ये मेडिकली अभी प्रूवन तो मैं इसको क्या बोलूंगा, पर अगर आप लोग पहाड़ी रास्तों में जा रहे हैं दोस्तों तो आप लोग अपनी सीट्स जो है दोस्तों उसमें जो अखबार होता है न्यूज़पेपर उसको बिछा लीजिए दोस्तों, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर आप लोग बैठ जाइए, मतलब सीट के ऊपर न्यूज़पेपर बिछाइए और आप लोग बैठ जाइए। तो हमने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है दोस्तों कि वोमिटिंग नहीं आती, जिसको वोमिटिंग आती हुई है दोस्तों उसको भी पहाड़ी रास्तों में वोमिटिंग नहीं आती दोस्तों, और रास्ता भी कट जाता है, रास्ता भी कट जाता है दोस्तों, पता नहीं कुछ पेट में लगता ही नहीं है। तो शायद अब मेडिकली मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ऐसा हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया दोस्तों। अनु आपने भी एक्सपीरियंस किया ऐसा? क्या एक्सपीरियंस किया? भूल गया अनु, भूल गया। सो दोस्तों ये हमारा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा, आप भी फॉलो कीजिए, आपको भी रास्ता आराम से कटेगा दोस्तों। मैं छोटी थी तो मुझे मॉल में प्यास भी लग जाती थी, इसलिए मैं दूध ले जाना भी मत भूलिए, ठीक है? बिल्कुल अनु दोस्तों हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में बता रही है, दूध ले जाना मत भूलिए। भले ही ये पीती दोस्तों जूस थी, लेकिन अभी दूध बोल रही है। आप दूध पीते थे जूस पीते थे? दूध। हाँ दूध, दूध। चलो जी अनु दूध पीती थी दोस्तों, तो आप लोग दूध भी कैरी कीजिए, मिल्क की बोतल में आप कैरी कर सकते हैं तो बच्चों का मन लगा रहेगा। और एक मैडम और चीज कुछ बता रही थी फ्लाइट के बारे में, वो हमारा एक्सपीरियंस था फ्लाइट वाला। दोस्तों फ्लाइट में जाते हैं कभी कभी दोस्तों बच्चों के कानों में भी बहुत दर्द हो जाता है, और वो इतने रिटोट जाते हैं कि वो सडनली रोना स्टार्ट कर देते हैं। 3 महीने 4 महीने 3 महीने तक तो आप एक्चुअली फ्लाइट में थोड़ा सा प्रिफर नहीं करते, जब 5-6 महीने का बच्चा होता है उस टाइम पे। 3 महीने 4 महीने में तो यू नो दोस्तों आप लोग फीड करते जा रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब आया 2-3 साल की हुई तो उसको थोड़े कान में दर्द होने लगा, तो मैं क्या करती थी कि कुछ खाने की चीज स्नैक्स कैंडीज तो ये ले जाके वो चूसा करती थी। जैसे चूसने थी तो स्वेलो होता, उसका थूक अटकता था और उससे कान ठीक रहते थे, खुल जाते थे और रास्ता भी कट जाता था। तो उससे क्या होता था कि जो चीखती रहती थी वो एयरपोर्ट में या फ्लाइट में जाते समय वो उसका बंद हो गया दोस्तों। तो आप अगर एयरपोर्ट या एयर फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ये सब टिप्स भी आप ध्यान रखेंगे तो आपका रास्ता बहुत अच्छा कटेगा। थोड़ा वो आईपैड्स वगैरह आप ले सकते हैं, आईपैड ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। हम लोग एक्चुअली दिल्ली वगैरह कहीं जाते हैं और 2.5 घंटे की फ्लाइट में बोर हो जाते हैं बच्चे, तो आईपैड आजकल तो आईपैड बहुत अच्छे चले हैं दोस्तों। बच्चे छोटे छोटे आईपैड आते हैं दोस्तों, 150-200 रुपए का आईपैड आ जाता है बच्चों का, बच्चे उसमें कलरिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं और वो इरेज भी हो जाता है, इरेजेबल रहता है। तो वो छोटा मोटा बाय कर लीजिए और आप ड्राइंग बुक्स ले सकते हैं, बच्चा अपना ड्राइंग करते हुए जाएगा और अपना आईपैड के आईपैड में दोस्तों बच्चे अगर एंजॉय नहीं कर पाते तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बच्चे कार्टून देखते हैं मोबाइल में, वो मत कीजिए दोस्तों, वो दूसरे भी लोगों को इरिटेट होता है दोस्तों, दूसरों को भी इरिटेट होता है दोस्तों, और बच्चों को स्टार्टिंग से दोस्तों मोबाइल की आदत पड़ जाती है। मींस आपका घंटों बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं, उसमें कार्टून्स देख रहे हैं, उससे बच्चों की आईज में बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट होता है। उससे बेटर तो ड्राइंग हो गया, आईपैड जो चल रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई बच्चे को टाइम पास कराना है तो मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, उससे बच्चों के हेल्थ में असर पड़ता है, खराब असर पड़ता है। तो हमारे हिसाब से तो दोस्तों ड्राइंग बुक्स ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, जो ड्राइंग वाला आईपैड होता है दोस्तों, कार्टून देखने वाला आईपैड नहीं, ड्राइंग वाला एक आईपैड आता है, लिखने वाला आईपैड आता है, वो दोस्तों वो कैरी कीजिए, ड्राइंग करवाइए,
और उससे लर्निंग भी होगी बच्चों की, और ये जिससे कि जो बैड इफेक्ट्स हैं मोबाइल से आपके जो रेज आती हैं वो भी आपके उससे भी बचत होगी और बच्चों की आदत भी सही रहेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी कुछ कुछ टिप्स जिन्हें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों हम लोग कुछ 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 सोचते हुए आते जा रहे हैं बहुत समय से, और हम लोग कोशिश यही रहती है दोस्तों कि हम लोग इन टिप्स को खुद भी फॉलो करें और कुछ नई चीज़ें जो आएँ उनको भी फॉलो करें, जिससे कि हम लोग थोड़ा बहुत जो हमें समय मिलता है उसमें हम लोग घूम सकें। एक फैमिली पूरी हम लोग जो है, हम लोग तीन लोग अभी हैं, तो हम लोग घूमें अपने खाली समय में, और थोड़ा सा लाइफ दोस्तों अच्छे से आगे बढ़ती रहे, क्योंकि लाइफ दोस्तों बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गई है जैसा कि हम लोग जानते हैं। काम ही काम। तो दोस्तों आपको ये छोटी मोटी टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी, वक्त निकालना पड़ेगा और दोस्तों कोशिश करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ काम बन सकता है, तभी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं और चिल कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ज्यादा सोचिए मत, अपने बैगों को पैक कीजिए, छोटा बच्चा है तो लेके चलिए, ज्यादा सोचिए मत, डोंट थिंक, और बने रहिए जोशी फैमिली के साथ। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, जो कि आप लोग करते नहीं है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। नानू कुछ बोलेगा? आनू कुछ बोलेगा? आजा आनू, क्या बोलेगा? लाइक कीजिए, टैग कीजिए, लाइक कीजिए, टैग कीजिए, बाय बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।